अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आज मैटर आखिर में होता क्या है। मैटर कोई भी चीज जिसका कोई मास हो और वो जगह घेरता हो, उससे हम मैटर कहते हैं। अब आप अपने इर्द गिर्द जो भी चीजें देखते हैं वो सारे मैटर से बने होते हैं। मैटर खुद एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होता है। मैटर के चार स्टेट होते हैं, पहला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस और चौथा प्लाज्मा। सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो है सॉलिड। सॉलिड एटम मैटर का सबसे पहला स्टेट होता है। सॉलिड की अपनी एक डिफाइनेट शेप और एक डिफाइनेट वॉल्यूम होता है। आप इसकी शेप में तब तक तब्दीली नहीं ला सकते जब तक आप इस पर कोई बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करें। पार्टिकल्स अरेंजमेंट, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत करीब रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके बीच में कोई फासला नहीं है, ये बहुत करीब है और ये एक दूसरे के साथ तरतीब के साथ इससे अटैच है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स गैस की तरह यहाँ से वहाँ फ्रीली मूव नहीं कर सकते और ये, लेकिन हाँ अपनी जगह पे वाइब्रेट तो जरूर करते हैं। इनकम्प्रेसिबिलिटी, आप इसको तब तक कंप्रेस नहीं कर सकते। और ये सॉलिड है, जो सॉलिड है वो लिक्विड और गैस के मुकाबले ज़्यादा भारी होता है। यहाँ पे हमारे पास सॉलिड के कुछ एग्जांपल्स है, वुड है, मेटल है, रॉक है, आइस है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।